नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर डायबिटीज़ है तो ये सारे काम आज से ही बंद कर देना। सबसे पहली चीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत जल्दी बताऊँगी ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। सबसे पहली चीज़ वो है ओवर एक्सरसाइज, ओवर योगा। अगर आप दिन में 10 मिनट से ज़्यादा योगा कर रहे हो या फिर तीन तीन चार चार किलोमीटर चल रहे हो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे, अभी बंद करो। अगर आप बंद नहीं करोगे तो शरीर थक जाएगा ऑलरेडी, सेल्स तक इंसुलिन की कमी के चलते या फिर इंसुलिन का उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपका सेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसके चलते ऑलरेडी बहुत शुगर जो है आपके सेल्स को नहीं मिल रही है। सो थक जाओगे, सेल्स मरेंगे और आपको नुकसान होगा और धीरे धीरे डायबिटीज़ बढ़ते चले जाएगी। तो आज से ये काम बंद करें। दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़ है चाय, 2 कप 3 कप, उससे ज़्यादा चाय नहीं, वो भी आधा कप से 1 कप, उससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और उसमें भी शुगर फ्री नहीं डालेंगे, ये तीसरा पॉइंट यहीं से समझे, शुगर फ्री नहीं। भले आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लो, हल्की सी मिठास कर लो, लेकिन शुगर फ्री मतलब ऐसे समझो अभी शुगर फ्री, फिर 5 साल बाद किडनी फ्री, इतनी ज़्यादा नुकसान करती है ये चीज़। सो शुगर फ्री नहीं डालना। ऐसे ही चाय पी लो, भले काली पी लो, लाल चाय पी लो, लेकिन बिल्कुल भी शुगर फ्री नहीं, ठीक है। कम मात्रा में आप चीनी डाल के, मिश्री डाल के चलेगा, गुड़ नहीं डालना, दूध के साथ गुड़ नहीं लेते, आयुर्वेद में खास मनाही है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसमें भी आप चाय में बहुत ज़्यादा तेज अदरक, बहुत ज़्यादा लौंग, इलायची, चाय मसाला ओवर नहीं करेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, ठीक है। अब तीसरी बात बहुत ध्यान से समझना, वो है कच्ची कच्ची सब्जियां खाना, या फिर मैं सलाद की बात नहीं कर रही हूँ, आधी कच्ची आधी पक्की सब्जियों की बात कर रही हूँ। वो बोलते ना हल्की सी कटकरी वो आम बनाएगी, पेट में जाके वो चीज़ें सड़ती है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो आधी कच्ची पक्की रोटी, आधी कच्ची पक्की सब्जियां, थोड़ा सा जो चावल है वो पका नहीं लेकिन चलो खा लेते हैं, या फिर एकदम सूखा सूखा चावल खा लेते हैं, ये सबसे बचिए। या दिन भर नमकीन खा रहे हैं तो इससे बचिए, राइट। तो ये सब चीज़ों से जब आप बचोगे तो शरीर को उन चीज़ों को पचाने के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपके शुगर को कंट्रोल करेगा, डाइजेस्ट कर देगा वो आपके शुगर को, राइट, जो भी आप खाने में ले रहे हैं। अब चौथा पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, चौथा पॉइंट है कि आप एसिडिटी से बचो, राइट। बॉडी में एसिड नहीं बनने दो। जितने डायबिटीज पेशेंट हैं, जितने मैंने आज तक मरीज देखे, 70 से 80% लोगों को ये एसिडिटी होती ही है। शरीर में जलन होगी, पैरों में जलन होगी, हाथ पैर में जलन, कहीं भी मतलब जलन उनको होगी ही होगी। सो इससे बचना है, उसके लिए आपको नींद सही लेनी है, राइट, नमकीन खान पान से बचना है, और टेंशन नहीं करना है, दूसरे से कुड़कुड़ कुड़कुड़ नहीं रहना है, राइट। इसने ये किया, उसने वो किया, उसको छोड़ दो, आपको डायबिटीज ठीक करनी है ना, इसलिए उसको छोड़ दो, उसको भगवान देख लेंगे, ठीक है। और हाँ, एसिडिटी के लिए ये नहीं कि रोज रोज गोलियां खा रहे हैं सुबह से खाली पेट में, नहीं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलो, उन गोलियों की अपनी साइड इफेक्ट है, राइट, इस चीज को समझना। फिर बाद में वो एसिडिटी नहीं, मतलब बॉडी में सही मात्रा में जो खाना पचाने के लिए एसिड निकलना चाहिए उसको भी नहीं निकालने देंगे, ये उस गोली दवाई का साइड इफेक्ट होता है। जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जिससे आपका खाना पचता है, वो भी अगर आप लंबे समय तक एसिडिटी की दवाई खाओगे तो निकलना बंद हो जाएगा, राइट। इसलिए इसकी आदत नहीं डालो, आप कोशिश करो कि लाइफ स्टाइल बैलेंस रखो, राइट। आप एसिडिटी पे मेरा वीडियो देख लेना, उसमें भी मैंने कई सारे उपाय बताए हैं, वो कर लेना, ठीक है। और खाना खाते खाते खट्टा खूब सारा पानी पी लिए, ये नहीं करना। खूब ज़्यादा बिना चबाए खा लिए, ऐसा नहीं करना, अच्छे से चबा के खाना, या खूब देर तक चबा रहे ऐसा भी नहीं करना, ठीक है, यस। और अब जो अगली चीज़ है, पांचवी चीज़ है, वो है खाली पेट में खूब सारा पानी पीना, या बहुत ज़्यादा गर्म गर्म पानी पी लेना। देखो, अगर बहुत गर्म पानी पियोगे वो भी एसिड क्रिएट करेगा, राइट, उससे भी पेट में जलन होगी। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म पानी, आधा से एक गिलास बहुत है, राइट,
कई बार लोग ऐसे करते हैं, आधा ग्लास एक ग्लास पानी पी लिए या दो तीन ग्लास पानी पी लिए, फिर दो तीन घंटा नाश्ता ही नहीं कर रहे, चाय भले पी लिए, तो सोचो कितना नुकसान है शरीर को। ठीक है, सो ध्यान रखना है इन चीजों का। अब अगला चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अब जो मैं बता रही हूँ बड़े ध्यान से समझिए, वो ये है कि आपको अपना पेट साफ रखना है। ठीक है, पेट साफ रखने के लिए आप फल खाएं, एक आध फल तो दिन में आप खा सकते हो, ऐसा नहीं सोच लेना। अगर पचता नहीं है फल तो अलग बात है, ठीक है, फिर कुछ मत खाओ, फिर चलेगा भले बात अलग है। लेकिन अगर फल पच जाता है, और वैसे आप फल बदल के देख लेना, कभी सेब, कभी किसी दिन अंगूर, किसी दिन आप जाम खा लो, किसी दिन केला खा लो, किसी दिन संतरा खा लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा फल सूट कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको केला सूट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ केला ही खाना, बाकी भी बदल बदल के खाओ। सो ये जरूरी है। और शुगर बढ़ेगी ऐसा नहीं है, नेचुरल जो देखो ये सब में फ्रुक्टोज है, फलों में क्या होती है, फ्रुक्टोज होती है भैया। शुगर वाले को भी फ्रुक्टाडेस चढ़ा देते हैं, राइट। सो इसका ध्यान रखना, आप खा सकते हो। और देखो एक चीज और गड़बड़ करते हैं शुगर वाले, कि जब शुगर हो जाती है तो शक्कर टोटल बंद, ना शक्कर खाएंगे, ना मिश्री खाएंगे, ना गुड़ खाएंगे, ना चावल खाएंगे। अब बॉडी में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा, ग्लूकोज नहीं जा रहा है, तो एसिड बनेगा, क्योंकि मधुर रस भी नहीं जा रहा शरीर में, राइट। और शरीर में फिर क्या होता है, देखो फ्लूड्स की कमी होने लगती है, रिप्रोडक्टिव फ्लूड्स बनने के लिए, आंखों के अंदर ये जो पानी है इसके लिए भी नमी चाहिए, नमी की कमी होती है, फिर ड्राइनेस आती है। तो थोड़ा बहुत मीठा खाओ, है ना, ओवर मत करो। जैसे दो चम्मच आप डालते थे मान लीजिए पहले चाय में, आधा चम्मच डालो शक्कर, राइट। बहुत ज्यादा शुगर है 400-500 है तो आधा केला खा लो, केला बस खा लो, राइट। मत डालो किसी चीज में शक्कर, नहीं डालो, नेचुरल शुगर ले लो। एकदम ही मीठा रस बंद नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत तकलीफ आएगी, हाथ पैर में जलन वगैरह भी, या तो ये शुगर फ्री वगैरह लेने के कारण होती है, सॉर्बिटॉल लेने के कारण होती है, या तो फिर ये जो हम लोग नींद नहीं पूरी कर रहे हैं, एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भात में से पूरा पसिया निकाल दे रहे हैं, या फिर कच्चा पक्का खा रहे हैं, या मीठा बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, ये सब कारण बनते हैं। सो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाय के साथ मैरी बिस्किट ले लेते हैं, फाइबर वाले बिस्किट ले लेते हैं, या कोई और चकली चिवड़ा ये सब ले लेते हैं, ये सब मत करो। और उसमें भी बाहर वाला पैकेट आइटम तो बिल्कुल नहीं लाके खाओ, भले आटा बिस्किट ही क्यों ना हो, ये सब चीजें आपको बहुत नुकसान करेगी। इसमें नेचुरली जो, जैसे हम लोग ये देख लिए ना कि ये डाइट वाला प्रोडक्ट है, हम लोग देख लिए ये शुगर फ्री है, तो भैया उसमें जो सॉर्बिटॉल है वो नुकसान करेगा, और क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डले हैं तो वो फिर एसिडिटी बढ़ाएंगे, फिर वो अच्छे से आपके शरीर का गट बैक्टीरिया को सही नहीं रखेंगे, शरीर को संतुलित नहीं रखेंगे। सो इन नॉर्मल सी चीजें, इन चीजों का आप ध्यान रखो, राइट। अगली चीज नीम करेला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब तो भैया शुगर हो गए, नीम खाएंगे, करेला लेंगे, बाद में क्या होता है एसिडिटी बढ़ जाती है, या शरीर में से दाने दाने निकल जाते हैं, सीत पित्ती होने लगती है, दिन भर अजीब अजीब लगता है, फिर शुगर तो जैसे तैसे कंट्रोल में हो रही है, नहीं हो रही है, जिसकी हो रही है वो हो रही है, या चलो शुगर कंट्रोल हो गई लेकिन बाकी कुछ और तकलीफ हो रही है, नहीं नहीं रोज कभी यहाँ दुख रहा है, कभी वहां दुख रहा है, क्योंकि एसिड बढ़ाएगा, राइट। तो या फिर क्या हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, नमनेस लग रही है, आज सुस्ती नहीं लग रहा, आज मन नहीं लग रहा है, कई बार ये चीजें होती है, क्योंकि नीम करेला हर किसी की प्रकृति के लिए थोड़ी है, हर किसी को नीम करेला अच्छे से पच जाएगा जरूरी नहीं है। तो आप नीम करेला मत लो, फिर क्या लो, दातून कर सकते हो आप, नीम की दातून ले लो, वो भी आप जब करोगे दातून तो थोड़ी देर उसका जो रस है वो आपके गले में थायराइड ग्लैंड में लग जाएगा, आपकी सलाइवरी ग्लैंड उसको ब्लड तक पहुंचा देगी, उतना ही बहुत है। लेकिन ऊपर से नीम करेला खाओगे ना तो वो लॉन्ग टाइम में नुकसान करेगा। ऐसे ही मैंने एलोवेरा आंवला के लिए भी बताया था, जो मैंने वीडियो एक बनाया था, कि ये सब रोज रोज और ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट लेने की नहीं है, ठीक है। सो इस सब चीजों से बचो, क्या करें फिर, खुश रहो, अच्छी जिंदगी जियो, अच्छे से जियो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी तो भूल जाओ कि डायबिटीज है,
लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल भी मेंटेन रखो, कुछ ओवर भी मत करो और अंडर भी मत करो, बैलेंस जियो, ठीक है। सो ये सारी चीजें करो। और यहाँ पे एक चीज और है जो आपको समझनी है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है और अंडर ईटिंग भी नहीं करनी है। खाने को बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि भूल जाओ, और ऐसा भी नहीं करना है कि ओवर ईटिंग कर लो, कि बार बार खाने बोल दिया किसी ने कि आपको शुगर होगी तो बार बार खाना पड़ेगा, तो पच नहीं रहा है फिर भी बार बार खा रहे हो, ये मत करो। ऐसा भी, और ऐसा भी मत करो कि बिल्कुल जैसे 11 बजे 12 बजे नाश्ता हो रहा है, 1 बजे सीधा खाना खा रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लो। ऐसे ही बहुत ज्यादा हैवी लहसुन मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी है। बहुत ज्यादा ज्यादा लोग बहुत मिर्च मसाला खाते, थोड़ा बहुत सब चलता है। ऐसे ही मेथी को बहुत ज्यादा खाते, मेथी भी 2-4 दाना बहुत है, एक एक दो दो चम्मच नहीं खानी है। चौथाई चम्मच भी चलो समझ में आता है मुझे तो, लेकिन उससे ज्यादा तो आप सोचो ना आपके शरीर में क्या होगा उससे। आप उसके विषय में पहले जान लो आयुर्वेद से, आजकल सारी चीजें मिलती है, आप पहले ढंग से मेथी को समझ लो, फिर उसके हिसाब से उसको यूज करो, ठीक है। सो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अंडर भी नहीं करना है, ओवर भी नहीं करना है, बैलेंस लाइफ जीनी है। अच्छे से जियो और ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा बीमारी बीमारी को मत सोचो कि कल मेरे किडनी को ये हो गया तो वो हो गया तो आंखों को ये हो गया तो, बल्कि जो ये शुगर फ्री वगैरह ना, ये सबके कारण आंखों में और किडनियों में तकलीफ आती, तो ये सब आर्टिफिशियल तरीके से मत जियो। नेचुरल रहो, मस्त रहो, आराम से वॉक करने जाते हो ना सिर्फ इसलिए जाओ, और 10 मिनट 12 मिनट से ज्यादा नहीं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, शक्ति के हिसाब से योगा करना, चीजें करना, राइट। एक्सरसाइज जितनी भी करो सिर्फ अपने शरीर के बल के हिसाब से करो, शरीर के बल से आधे हिसाब से, बल्कि बहुत ज्यादा थकान नहीं करनी है। सिर्फ आपके कांख में यानी बगल में पसीना आ जाए उतना ही करो, उससे भी अदरवाइज शुगर बढ़ता है। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन सारी चीजों को यूज करिएगा, मेरे को बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा। लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। ये सारी चीजें मैंने जितने मरीज देखे हैं उनके अनुभव से बता रही हूं मैं आपको, राइट। और अच्छे से और हाँ, अच्छे से जिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।